सामने आए कि कितने पॉजिटिव मिले हैं और कितने मरीजों के अभी तक मौत का आंकड़ा आया? देखिए, अभी तक हमने 70 टेस्ट करने के लिए भेजे थे सैंपल्स, जिनमें से 10 मरीज पॉजिटिव आए थे। एक मरीज इनमें से जो पॉजिटिव था वो उज्जैन निवासी था। तो इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में अभी तक 9 पॉजिटिव आए थे, बाकी सभी के जांच रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई थी। एक मृत्यु उज्जैन की और एक मृत्यु इंदौर की हुई है। इस तरह से इंदौर ज़िले में अभी तक सिर्फ एक मृत्यु हुई है। सर, कितने वार्ड बनाए गए हैं, कितने संक्रमित हैं, जो मरीज़ पॉजिटिव मिले हैं उनके जो कॉन्टेक्ट में आए उनकी अभी तलाश जारी है, कितने लोग मिले? देखिए, पहले दिन जो 5 पॉजिटिव आए थे उनमें से एक चूँकि उज्जैन का निवासी है तो उसकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है वो उज्जैन से हो रही है। यहाँ वो जहाँ जहाँ तक रुकी होंगी उनको उनके हमने पता कर रहे हैं। और प्राइमरी कॉन्टैक्ट में जो देखा था वो उनके 29 लोग करीब आए थे, उन सभी का परीक्षण करने पर किसी में भी कोई लक्षण प्राप्त नहीं हुए थे। सर, अभी मौत हुई है वो कहाँ के थे, क्या नाम था, मतलब कहाँ के थे, क्या उम्र थी? वो इंदौर निवासी 35 वर्षीय युवक थे, नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो कोरोना के साथ में उनको अन्य बीमारियों के भी लक्षण थे और जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन चूंकि कोरोना का उनका पॉजिटिव आया था इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु इसमें शामिल की है।